जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की एकादशी का नाम विजया एकादशी है, तो आज हम विजया एकादशी की व्रत कथा कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बालिका वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस आगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मांड देखे हैं। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान के स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नवेद नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। खड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस खड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई।
अंत हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की एकादशी कथा का समापन यहीं पर करते हैं। अगली एकादशी कथा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय श्री राधे दोस्तों।